इंडियन प्रीमियर लीग में हर साल 8-10 ऐसे फील्डर्स होते हैं जो अपनी फील्डिंग के दम पर आईपीएल के लेवल को दूसरी लीगों से काफी ज्यादा ऊपर उठा देते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आईपीएल 2019 में खेल रहे टॉप 10 फील्डर्स के नाम बताने वाला हूं जिनके दम पर टीमें हार और जीत में फैसला करेंगी। तो अंत तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप भी आईपीएल फैन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नीचे लाइक बटन है, लाइक के बटन को हिट करना है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं हम नंबर 10 से। तो 10वें स्थान पर नाम आता है केएल राहुल का। अगर हम किंग्स इलेवन पंजाब के टॉप फील्डर की बात करें तो शायद ही कोई केएल राहुल से ऊपर उतरने वाला है। साथ ही दोस्तों टीम इंडिया के भी टॉप 10 फील्डर्स में इनका नाम आता है। 30-yard सर्कल इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है, इसीलिए इस लिस्ट में नाम है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो 9वें स्थान पर नाम आता है दोस्तों सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेलने वाले और एक बूस्ट फील्डर की भूमिका निभाते हैं क्योंकि गेंद तक बहुत जल्दी किसी भी एरिया तक पहुंच सकते हैं। ये इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सारे रिकॉर्ड्स आप देख भी पा रहे होंगे एंड दैट इज व्हाई यहां पर मौजूद है। तो अब बात करें नंबर 8 की। तो 8वें स्थान पर नाम आता है सीएसके के रविंद्र जडेजा की। दोस्तों इतिहास गवाह है कि रविंद्र जडेजा कितना बड़ा फील्डर है और एक जमाने में तो वो इंडिया के टॉप फील्डर भी माने जाते थे। हालांकि इस बार कॉम्पिटिशन ज्यादा है इसलिए नंबर 8 पर है। दोस्तों अब अगर हम बात करें नंबर 7 की। तो 7वें स्थान पर नाम आता है नीतीश राणा का। पिछले 2 साल अगर हम उठाकर देख ले तो उन्होंने प्रूफ कर दिया है, राणा साहब ने प्रूफ कर दिया है कि वो बहुत ज्यादा एक तरह से स्प्रिंटेड फील्डर रहने वाले हैं। 30-yard का सर्कल इनका भी प्लस पॉइंट है और नीतीश राणा दोस्तों कोलकाता की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम नंबर 6 की। तो 6वें स्थान पर नाम आता है सुरेश रैना का। सीएसके के दूसरे खिलाड़ी हैं इस लिस्ट में सुरेश रैना, और सुरेश रैना पूरी दुनिया की क्रिकेट में बहुत अच्छे फील्डर माने जाते हैं। हालांकि लंबे अरसे से फिटनेस से जूझे हैं, लंबे अरसे से टीम के इंडिया में नहीं खेल पाए हैं, लेकिन फिर भी इनकी पोजीशन यहां पर बरकरार है। दोस्तों अब दोस्तों टॉप 5 की शुरुआत हो गई और 5वें स्थान पर हम बात कर लेते हैं जॉस बटलर की। जॉस बटलर 5वें स्थान पर इसलिए है क्योंकि सिर्फ 1 महीना खेलेंगे, पिछले साल तो लगभग इन्होंने पूरा सीजन खेला ही था, लेकिन जिस तरह के फील्डर ये इंटरनेशनली और डोमेस्टिक लीगों में है, आईपीएल के लेवल को ये अलग लेवल पर ले जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की। तो 4वें स्थान पर दोस्तों हमने रखा है डेविड वार्नर को। पिछला साल बैन लगा था इसलिए डेविड वार्नर नहीं खेल पाए थे। हालांकि इनकी फील्डिंग के ऊपर किसी को भी कोई संदेह नहीं होगा क्योंकि किसी भी एरिया से ये परफेक्ट थ्रो लगाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इस बार भी इनकी फील्डिंग बहुत बहुत तगड़ी रहेगी। दोस्तों अब बात करें हम नंबर 3 की। तो 3रे स्थान पर नाम आता है टीम इंडिया और आरसीबी के कप्तान विराट कोहली का। विराट कोहली एक बहुत तगड़े फील्डर है, इसके बारे में हमें और आपको बात करने की जरूरत नहीं है और दैट इज व्हाई वो यहां पर मौजूद है। साथ ही दोस्तों किसी भी एरिया से थ्रो लगाना इनकी भी एक बहुत तगड़ी कह सकते हैं प्लस पॉइंट है। दोस्तों टॉप 2 की शुरुआत हो गई और 2रे स्थान पर हमने हमारे लिस्ट में रखा है एबी डिविलियर्स को। एबी डिविलियर्स किस तरह के फील्डर है, किस तरह के बल्लेबाज है और आईपीएल इतिहास फील्डिंग में उनका कैसा रहा है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड्स आप देख भी पा रहे होंगे इनकी कैचिंग के, इनकी फील्डिंग के। साथ ही दोस्तों डेफिनेटली ये इस पोजीशन पर पहुंच ही जाते हैं। और नंबर 1 की पहले स्थान की बात करें दोस्तों तो पहले स्थान पर नाम आता है केकेआर के क्रिस लिन का। क्रिस लिन दोस्तों पिछले 3 सालों से T20 के बहुत बड़े प्लेयर बनकर उभरे हैं। इनकी फिटनेस और इनकी फील्डिंग इसमें सब कुछ का हाथ होता ही है। हालांकि दोस्तों हमें कंफ्यूजन था एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और इनमें कि इन्हें किस पोजीशन पर रखा जाए, लेकिन मैंने तो भाई क्रिस लिन को पहले स्थान पर रखा। आप किसको पहले स्थान पर रख रहे हैं कमेंट कर दीजिए, अपनी राय नीचे लिख दीजिए, कारण भी बता दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।